मोशी मोशी कोनिचिवा होकाइरी यानी MMKH, मैं हूँ MRJ एंड मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ऐसी थ्योरी जो शायद तुमने कभी ना सुनी हो। अब रुक जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। पहले ही बोल दूँ तीन चीज़ें। पहली, थ्योरी आर फॉर एन्जॉयमेंट। तुम थ्योरी बनाते हो फॉर वॉचिंग, रीडिंग, एन्जॉयमेंट। तुम इसका पूरा प्रूफ नहीं देख सकते कि ये थ्योरी सच होगी कि नहीं, यू नो, थ्योरी बस एन्जॉयमेंट के लिए होती है और कुछ नहीं। सेकेंड, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी ये थ्योरी तुम्हें फोर्स करे अपना दिमाग चलाने के लिए, ताकि तुम अपने दिमाग को चलाओ, ज़्यादा दौड़ाओ और तुम्हें अच्छे और रिजल्ट मिले। तीसरी थ्योरी, मतलब तीसरी पॉइंट, ये वीडियो पूरी तरह से मेरी नहीं है। ए ह्यूज शाउट आउट टू सोयर 7 मेज, चैनल का लिंक शायद डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा। ये थ्योरी उसकी 40% है, 60% मेरी है। फोर्थ चीज़, हाँ मैंने बताया नहीं बट बोल देता हूँ, अगर ये थ्योरी सच हो जाती है जिसके चांसेस 0.1% है, तो तुम बहुत गंदे वाले स्पॉइल होगे। या सो दैट बींग सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। रुक 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 रुक, इंट्रो मत लगाओ। पांचवी चीज़ बोल देता हूँ, इस वीडियो के तीन पार्ट्स होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो होगी। सो या विद दैट बींग सेड, फाइनली इंजॉय द इंट्रो। मैं मिलता हूँ इंट्रो के दूसरे साइड पे। You're superhero. तो ये थ्योरी वहाँ पे स्टार्ट होती है जब डोफ्लामिंगो लॉ को कहता है कि अगर तू अपना इमोर्टेलिटी सर्जरी मेरे ऊपर कर देता एंड फिर खुद मर जाता, ऑफ कोर्स ये तेरे ओपीओपी फ्रूट का साइड इफेक्ट है, बट मैं तो इमोर्टल हो जाता, एंड अगर मैं एक बार इमोर्टल हो जाता तो मैं मरीजुआ का उस ट्रेजर को यूज़ करके पूरी दुनिया पर राज करता। हाँ, उसने कुछ ऐसा ही कहा था। तो ये नेशनल ट्रेजर मरीजुआ का है क्या? अब ड्रोफी के कहने से तो कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा ट्रेजर है जो तुम्हें इतनी पावर तो देगा कि तुम दुनिया को कॉन्कर कर दोगे, बट यूज़ करने से मर भी जाओगे। तो तुम उसको यूज़ तभी करना चाहोगे ना जब तुम इमॉर्टल हो। सो अभी मैं तुम्हें एक और चीज़ कहना चाहूँगा, द वर्ड ट्रेजर को बहुत ध्यान से रख लो, क्योंकि ये ट्रेजर आने वाले पार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करेंगे। सो या ओपीओपी नोमी का यूज़ करके डोफ्लामिंगो इमॉर्टल होके मरीजुआ के ट्रेजर को लेना चाहता था ताकि वो दुनिया पे रूल करे। अगेन, ट्रेजर वर्ड को इम्पोर्टेंस दो। अब हम चलते हैं मरीजुआ के लोकेशन के ऊपर। तो मरीजुआ जहाँ पे सिचुएटेड है यानी रेड लाइन, उसके ठीक नीचे मिलता है हमें फिशमैन आइलैंड। अब फिशमैन आइलैंड समुद्र के इतने नीचे है, उसको सनलाइट कैसे मिलता होगा? इसी चीज़ का आंसर देते हुए फिशमैन आइलैंड के किंग नेपच्यून ने हमें यह कहा कि एक ट्री है जिसका रूट हमें सनलाइट खींच के देता है। इस ट्री का नाम द ट्री ऑफ सनलाइट यानी सनलाइट ट्री ऑफ ईव है, जो कि बॉटम ऑफ द ट्री से यानी ट्री के एकदम नीचे पार्ट से फिशमैन आइलैंड को एकदम उजागर कर देता है। अब तुम अपना दिमाग ज़रा लगाओ, मैंने अभी कुछ देर पहले यही कहा था कि लोकेशन वाइज मरीजुआ आइलैंड फिशमैन आइलैंड के ऊपर है। सो क्या ये मेक सेंस नहीं करता कि एक ट्री सीधा ऊपर फिशमैन आइलैंड तक ही ग्रो करेगा? हाँ बिल्कुल मेक सेंस तो करता ही हो, बट हमें ये नहीं पता कि इस ट्री के ब्रांचेस एंड पत्ती पत्ती है कहाँ पे, क्योंकि हमें दिखाए नहीं गए, है ना? तो चलो मैं इसका भी छोटा सा एक आंसर दे देता हूँ। प्री टाइम स्किप में हमें पता था एनिस लोबी, इम्पेल डाउन एंड मेरिन फोर्ड आइलैंड एक तीन ट्राइंगल के रूप में मरीजुआ के पास थे। इम्पेल डाउन एनिस लोबी बींग द क्लोजेस्ट टू मरीजुआ। अब अगर तुम्हें याद हो तो वाटर 7 आर्क के प्री फाइनल में हमें यह कहा गया था कि एनिस लोबी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कभी भी अंधेरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका आंसर तुम्हें ये ट्री ही बताएगा, द ग्रेट सनलाइट ट्री ऑफ ईव। अब तुम सोचो, एक गवर्नमेंट जिसने वॉइड सेंचुरी का मेमोरी पूरे दुनिया से मिटा दिया, पोनेग्लिफ का राज छुपा दिया, क्या वो एक ट्री के ब्रांचेस को मरीजुआ के पास नहीं रख सकता? उसका ब्रांचेस को रख के एनिस लोबी पे शिफ्ट नहीं कर सकता? अब तुम कहोगे MRJ कैसी पागलों वाली बात करिए, सुबह सुबह क्या पी के बैठा है? नहीं, सुन लो, जो ट्री अपने रूट्स से सनलाइट छोड़ता है वो अपने ब्रांचेस से भी तो छोड़ता होगा ये एब्जॉर्व करके,
समझ रहे हो बात, सिंपल फोटोसिंथेसिस की ही तो बात है ना। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके जो ब्रांचेस हैं उसको किसी तरह से मैनिपुलेट करके उसकी सनलाइट्स को हम डायरेक्टली इम्पेल डाउन एनिसलोबी पे भेज सकते हैं। अब तुम कहोगे ये भी तो सेंस नहीं बनाता ना, तो सुन लो, हमने डोफ्लामिंगो के, येस अनदर टाइम प्लीज़ वेलकम डोफ्लामिंगो, डोफ्लामिंगो के फ्लैशबैक्स में देखा है कि मरी जुआ पे रातें होती हैं, वहाँ पे हमेशा दिन नहीं होता, यानी वहाँ पे भी रातें होती हैं बट एनिसलोबी में नहीं होता। सो आई थिंक मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। ओके, सो इस थ्योरी ने आई गेस ये भी सॉल्व कर दिया कि एनिसलोबी को लाइटलेस आइलैंड क्यों कहते हैं। तो अगर अभी तक तुम नहीं समझे तो मैं ये द वर्ड नेशनल ट्रेजर को इसी ट्री को कह रहा था, क्योंकि मरी जुआ आइलैंड के बीचों बीच हो सकता है ये ट्री, जिसके ऊपर यानी जिसमें ही डेविल फ्रूट्स पैदे होते उगते हैं डेविल फ्रूट्स। अब तुम कहोगे कि तू फिर से नशा कर चुका है, बट बिलीव मी गाइस, मैं नशा नहीं कर रहा। तुम खुद ही सोचो ये मेरिन गवर्नमेंट्स यानी मेरिन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास कितने ओपी फ्रूट्स होते हैं। सेन गोकू को देखो, मिथिकल जुआन लेके बैठा है लोंडा, वो भी बहुत ओपी टियर वाला, तीनों के तीनों एडमायरल्स, लोजिया, फुजिटोरा, भाई खतरनाक फल है वो, खतरनाक, जूसी जूसी नोमीज, वन ऑफ द डेडलीस्ट फ्रूट आउट देयर। फिर तुम वाटर सेवन आर्क में फिर से चलते हैं तो हमें स्पांडान को देखते हुए देखा है कि वो काकू एंड खलीफा को डेविल फ्रूट्स दे रहा था। एंड जब हमने पूछा, उन लोग ने पूछा स्पांडान से कि तुझे ये फ्रूट कहाँ से मिले, तो स्पांडान ने कहा कि मेरे कुछ कनेक्शंस है, जो कि ऑफिशियली वो गवर्नमेंट को बोल रहा था। यानी भाई अब तो क्लियर हो गया ना, समझ लो बातों को, वो यही कह रहा था कि उसी पेड़ से उसको फ्रूट्स मिले हैं, है ना। अब मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बट रुक जाओ, मैं उसका आंसर दूंगा, रुक जाओ। अब हम चलते हैं कोजुकी ओडन की तरफ। ऑफ कोर्स एक वीडियो जिसपे कोजुकी ओडन ना हो, ना 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 नहीं हो सकता, कोजुकी ओडन मस्ट बी एडेड। तो कोजुकी ओडन ने यह कहा था कि कोजुकी क्लैन ने वानो को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वानो को उस वक्त बहुत पहले बहुत सारे फॉरेनर्स अटैक कर रहे थे, एंड वानो इज द लैंड ऑफ समुराई, राइट। तो वहाँ के लोग ऑफ कोर्स लड़ सकते हैं समुराई से, यानी नॉन डेविल फ्रूट यूजर से, बट क्या हो अगर वो डेविल फ्रूट यूजर्स हो, है ना, मेक सेंस। एंड अगर तुम्हें याद हो तो हॉकिंस ने ही हमें इस आर्क में कहा था कि सी स्टोन जो है एंड उनके हैंड्स क्राफ्ट, उनके स्टोन मतलब सॉर्ड्स वगैरह वगैरह, सी स्टोन वो डिस्कवर्ड, मैनुफैक्चर्ड और इन्वेंट भी वानों में किया जाता है उनको। एंड हमने CP0 को देखा है ओरोची से डील करते हुए सी स्टोन्स वेपन्स के ऊपर। तो तुम सी स्टोन का आविष्कार कब करोगे, जब तुम्हारे घर पे आग लगी होगी तब ना तुम पानी लेके घर को मतलब पानी फेंकोगे, मतलब समझ रहे हो बातों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सी स्टोन का आविष्कार इसलिए हुआ वानों पे क्योंकि एन आर्मी ऑफ डेविल फ्रूट यूजर्स वे आर फ्रीकिंग अटैकिंग वानो एट दैट टाइम। यस, तो आई थिंक ये भी तुम्हें इस थ्योरी ने बहुत सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉल्व किया है, बट मेन मुद्दा यही आता है कि अगर डोफ्लामिंगो इमॉर्टल हो जाता तो शायद वो उस फ्रूट मतलब द ग्रेट सन ट्री ऑफ ईव पे जाता एंड सारे डेविल फ्रूट्स को खा के मोस्ट प्रोबेबली कब्जा कर लेता पूरी दुनिया को, है ना। नन 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 ना, ये बात नहीं है। अब तुम एज ए व्यूअर मुझसे ये पूछोगे कि MRJ मतलब ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की ट्री है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन तो देती होगी, मैं तेरी बातों पे बिलीव करता हूँ, अब बता पायलट्स को कैसे मिलती है फ्रूट। यू नो समथिंग गाइस, ये चीज़ मैं तुम्हें पार्ट टू में बताऊँगा। सो या ये थ्योरी यहीं पर ख़त्म होता है। मैं तुम्हें एक बार फिर से एक हाईलाइट दे देता हूँ। मरी जुआ पे एक आइलैंड मतलब एक ट्री है जिसका नाम है सनलाइट ट्री ऑफ ईव, जो वहाँ पे डेविल फ्रूट उगाती है। वो डेविल फ्रूट वर्ल्ड गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है ताकि अपने आर्मी को वो स्ट्रॉन्ग कर सके। डोफ्लामिंगो का ये कहना कि उसी मॉर्टल होके मरी जुआ का ट्रेजर चाहिए ताकि वो रूल करे प्रूव्स दैट। वानों में सी स्टोन का इन्वेंशन होना प्रूव्स दैट कि डेविल फ्रूट की आर्मी ने वानों पे कभी हमला किया होगा। सो दैट बींग सेड,
लेट्स रैप द वीडियो अप। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। अगर तुम्हें लूप होल्स मिलते हैं वीडियो पे तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, तुम्हें पता है मैं नहीं बोलता। चैनल मेरा पूरा उड़ गया था बट तब भी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगेनिंग। विद दैट बीइंग सेड गाइस, आई टेक माय लीव, सायोनारा, एंजॉय द आउट्रो।